सोनौली महाराजगंज पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कस्तूप के निर्देश में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपराध की रोकथाम के लिए दिए गए निर्देश के क्रम में थाना सोनौली पुलिस और SSB की संयुक्त टीम द्वारा भारत नेपाल सीमा पर चेकिंग के दौरान भारत से नेपाल की तरफ जा रही संदिग्ध कार को रोककर चेक किया गया तो ड्राइवर की सीट के नीचे से पॉलिथीन में रखे 72,80,000 नेपाली रुपए बरामद किए गए हैं, जो कि लगभग 45,00,000 भारतीय रुपए के बराबर है। आपको बता दें, ड्राइवर के पास उक्त रुपयों के संबंध में कोई वैध कागजात न होने कर उसे हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। आज थाना सोनौली व SSP की संयुक्त टीम द्वारा भारत नेपाल सीमा पर चेकिंग की जा रही थी। उसी दरमियान एक संदिग्ध व्यक्ति चारपहिया गाड़ी से आता दिखाई पड़ा। जब उससे पूछताछ और चेकिंग की गई तो उसके पास से लगभग 72,80,000 नेपाली करेंसी बरामद हुई है। भारतीय मूल्य में ये 45,00,000 इसकी कीमत आती है। अभी से ये नेपाली नागरिक है और ये भारत से नेपाल ये पैसा ले जा रहा था। इस संबंध में भी इससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही कस्टम अधीक्षक और इनकम टैक्स वालों को भी इन्फॉर्म किया गया है, वो भी अभी आकर के इससे पूछताछ कर रहे हैं। जो भी इसमें प्रगति होगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।